हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मसालेदार मशरूम की सब्ज़ी। आपने अब से पहले मटर मशरूम, पनीर मशरूम बहुत खाया होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे कुछ अलग तरीके से। और इसको जब आप एक बार बनाएंगे तो हफ्ते में कम से कम 3-4 बार बनाने का मन करेगा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही ईजी है। तो चलिए मेरी किचन में बनाते हैं बिना देरी करते हुए मसाला मशरूम। पहले मशरूम ले लेंगे और इसको 3 से 4 पानी में अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लीजिए। और अब मैं इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप जब इस तरीके से मशरूम बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगी और बच्चे हों या बड़े हों सभी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और इसके बाद नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इन सभी मसालों को डालने के बाद इसमें मैं दही का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है और यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैंने दही लिया है। दही डालने के बाद अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके जो मसाले हैं, मशरूम है और दही है, वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इस तरीके से अब इन सबको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसको हम साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई या फिर पैन ले लीजिए, इसमें तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच तेल लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा डाला है। जीरे को अच्छे से भून लेंगे। जीरा भून जाने के बाद यहाँ पे 1 तेज पत्ते को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके भून लेंगे और 4 से 5 यहाँ पे साबुत मिर्च लिए, काली मिर्च। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिनको इस तरीके से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। और इसको हल्का सा ब्राउन होने तक हम भूनेंगे और यहाँ पे थोड़े से 2-4 में लहसुन की कलियाँ भी डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने जब प्याज भुन गई थी उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 1/2 चम्मच और इसको भी एक बार मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो हमने मशरूम रखी थी, दही और मसाला मिक्स करके वो डाल देंगे। उसके बाद आप देखिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें दही हमने यूज़ किया है इसलिए मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं। और ये देखिए कितनी जल्दी और कितने आसान तरीके से आपकी मशरूम की रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने सारी मशरूम डाल दी है। मशरूम डालने के बाद अच्छे से इसको एक बार मिक्स करेंगे, जिससे कि इसमें जो भी ये कश्मीरी मिर्च हमने डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए मशरूम में। और इसको 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे, जिसमें जो भी इसमें हमने मसाले डाले थे वो अच्छे से भून जाएंगे, कच्चे मसालों की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जब आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि साइडों से हल्का हल्का जो है ऑयल भी दिखने लगा है। अब इस तरीके से आप इसको लगातार चलाते हुए बीच बीच में 5 से 7 मिनट के लिए भून लीजिए। जब इसमें मसाला अच्छे से भून जाएगा और साइडों से ऑयल दिखने लगेगा, तब इसका देखिए कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल रहे हैं। ये ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनती है सब्ज़ी, इसलिए 1 कटोरी पानी बहुत है इसके लिए। पानी डालने के बाद अब हम इसको एक बार फिर से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे 1/2 चम्मच। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच मलाई भी डाल सकते हैं, मलाई से भी अच्छा सा फ्लेवर आता है, कोई भी रेसिपी आप बनाओ उसमें। अब यहाँ कसूरी मेथी डाल दी है मैंने, अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट बाद आप चेक करेंगे, आपकी जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनेगी। और 10 मिनट बाद ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप इसी तरीके से झटपट से इसे बना सकते हैं बिल्कुल बिना देरी के। ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इसको 2 मिनट के लिए और बिना ढके हम इस तरीके से भून लेंगे, ताकि इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। और ठंडी होने के बाद ये सब्ज़ी थोड़ी और गाढ़ी होगी, इसलिए ज़्यादा नहीं इसको ड्राई करना है। अब इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे बारीक बारीक काट के, और इसको आप रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर पूरी के साथ भी ये रेसिपी
बहुत अच्छी लगती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें आपको ये मसाला मशरूम कैसी लगी, और आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। अब इस तरीके से फटाफट से मसाला मशरूम जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी के साथ मैं यहाँ पराठे बना रही हूँ। जब आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो बच्चे हो या बड़े हो, दो के जगह चार पराठे खाएंगे। ये पराठे भी बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे गेहूँ के आटे का यूज़ किया है। अब आटे की एक छोटी सी लोई ले लेंगे और इसको इस तरीके से रोटी की शेप में बेल लेंगे। उसके बाद घी या फिर ऑयल लगा लीजिए इसके ऊपर और इसको इस तरीके से स्क्वायर शेप में फोल्ड कर दीजिए। इसके बाद हम इसको फिर से स्क्वायर शेप में बेल लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके, और इसके ऊपर हरा धनिया और सफ़ेद तिल लगाएंगे जो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। अब इस तरीके से इसको बेल लीजिए। आप चाहें तो इसे राउंड भी या फिर ट्रायंगल किसी भी शेप में बना सकते हैं। बच्चों को आप इसको लंच में देंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप किसी भी रेसिपी के साथ इस पराठे को एंजॉय कर सकते हैं। पराठे को स्क्वायर शेप में बेलने के बाद ऊपर से तिल और हरा धनिया लगाएंगे। आप चाहें तो पहले से ही लोई के ऊपर लगा सकते हैं, उसके बाद पराठे को बेल सकते हैं। अब तवा गर्म हो चुका है, तवे पर पराठा डाल देंगे और इसको दोनों साइड से सेक लेंगे अच्छे से घी या फिर ऑयल लगा करके। पराठे भी बनकर तैयार हो गए हैं और यहाँ पे हमारी मसाला मशरूम भी तैयार है। आप इसे एंजॉय कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसको डिनर या लंच में कभी भी बना सकते हैं।